नमस्कार, जन समय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं चांदनी परिहार ले चलती हूं आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। दीपावली के पर्व को लेकर चमकने लगे बाजार। जालौर में कांग्रेस जनों ने फूंका मोदी व शाह का पुतला। आशाओं ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। आरएनटीसी की संविदा कर्मी उतरे आंदोलन में, पीसीटीएस की थमी सांसें। दीपोत्सव पूर्व स्वच्छता से चमका वार्ड एक। जालौर सुंदेलाव तालाब का नाला बना हादसों का कारण। जालौर एलआईसी शाखा में श्रेष्ठ अभिकर्ताओं की बैठक का हुआ आयोजन। भाजपा कार्यकारिणी का किया विस्तार। भिनमाल पंचायत समिति ओडीएफ घोषित, निकाली गौरव यात्रा। कवराड़ा सरपंच के खिलाफ राजपूत देंगे ज्ञापन। बागोड़ा में हुआ मेघवाल समाज का प्रतिभा समारोह। सांचौर में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित। सायला में 3 दिवसीय ज्ञान का पिटारा शिविर आयोजित। अहमदाबाद की एक सड़क पर ग्रेनाइट पत्थरों का 2 वर्षों से जमावड़ा। सायला में टैक्सी चालक बोले, हमें हिंदू सिंह से बचाओ। ओम सिंह राठौड़ को बनाया पीसीसी सदस्य। आहोर बस स्टैंड के पास दुकान में घुसा सांप। आलासन के सोनी ने की शालिनी ठाकरे से मुलाकात। अब समाचार विस्तार से। दीपावली के पर्व को लेकर चमकने लगे बाजार। भारतीय हिंदू परंपरा के महान दीपों के पर्व दीपावली को लेकर देश सहित जालौर जिला मुख्यालय पर भी बाजार अपने चकाचौंध से चमकने लग गए हैं। दीपोत्सव को लेकर बाजार में हर तरफ विभिन्न तैयारियों को देखा जा सकता है। व्यापारियों ने दीपावली पर बम्पर खरीदारी को लेकर अपने प्रतिष्ठानों में हर तरह के सामान का पर्याप्त स्टॉक पहले से ही लेकर बाजारों को सजा लिया है। जहां दीपक, पटाखे, सजावट के सामान से बाजार भरा तरा दिखाई देता है, तो इधर जिला मुख्यालय सहित आसपास के गांवों में भी घरों में गृहिणियों द्वारा घरों के साफ सफाई और साज सज्जा का भी कार्य परवान पर है। दूसरी तरफ प्रशासन ने भी नगर के सौंदर्यकरण व साफ सफाई का कार्य जोर शोर से आरंभ कर दिया है। इस प्रकार दीपावली के पर्व के स्वागत को लेकर जिले भर में तैयारियां जोरों पर हो रही है। जालौर में कांग्रेस जनों ने फूंका मोदी व शाह का पुतला। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज कलेक्ट्रेट जालौर के सामने कांग्रेस जन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का पुतला फूंक कर विरोध किया। कांग्रेस प्रवक्ता योगेंद्र सिंह ने बताया कि अमित शाह के पुत्र जय द्वारा केंद्र सरकार की मदद से अपनी कंपनी में भ्रष्टाचार किया है, जिसके विरोध में कांग्रेस जनों ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। इस दौरान जिले भर के कई कांग्रेस जन मौजूद थे। आशाओं ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। भारतीय आशा सहयोगिनी कर्मचारी संघ जालौर ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें एक ही कार्य क्षेत्र में कार्य, विभिन्न भत्ते, पेंशन, वेतन विसंगतियों, छुट्टियां, संवैधानिक अवकाश, एक ही विभागीय कार्य सहित विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। आरएनटीसीपी संविदा कर्मी उतरे आंदोलन में, पीसीटीएस की थमी सांसें। जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जिला स्तर पर कार्यरत डीपीएम यूनिट तथा ब्लॉक व पीएससी स्तर पर कार्यरत प्रबंधकीय वर्ग के कार्मिकों की विभिन्न मांगों को लेकर चल रही हड़ताल बुधवार को 24वें दिन भी जारी रही। प्रबंधकीय वर्ग को हड़ताल व सामूहिक अवकाश पर चले जाने से जिले में मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए चल रहे सभी कार्यक्रम और राष्ट्रीय योजनाओं का लाभ आम जन को नहीं मिल पा रहा। जिले में विभाग की ओर से वंचित गर्भवती महिलाओं तथा 2 साल तक के बच्चों का टीकाकरण करने के लिए मंगलवार से शुरू किया गया सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान की हवा निकल गई है। वहीं आरएनटीसीपी यूनिट के 2 दिन के सामूहिक अवकाश से टीबी रोगियों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। हड़ताल से नसबंदी का पैसा अटक गया एवं टीबी रोगियों का रजिस्ट्रेशन भी अटक कर रह गया है, जिससे पीसीटीएस की धड़कन थम सी गई। दीपोत्सव पूर्व स्वच्छता से चमका वार्ड एक। जालौर नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 1 गोड़ीजी में भाजयुमो पूर्व नगर मंत्री किशन सुंदेशा ने प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के तहत सभापति भंवरलाल माली व सफाई निरीक्षक महावीर प्रसाद के नेतृत्व में साफ सफाई करवाई।
दीपावली के पर्व को देखते हुए नालियों सड़कों आदि की सफाई करवाकर कचरे को जेसीबी की सहायता से ट्रैक्टरों में भरकर दूर डाला गया। इस दौरान वार्ड संख्या एक पार्षद हेमलता जिनगर, भाजयुमो के भिखाराम प्रजापत, किशन सुंदेशा, मुकेश फुलाराम सहित वार्ड वासी उपस्थित थे। जालोर सुंदेलाव तालाब का नाला बना हादसों का कारण। जालोर में सुंदेलाव तालाब में बरसाती पानी की आवक का स्रोत वाला नाला पिछले दशकों से बना हुआ है, जो काफी समय से पुराना होने के कारण जर्जर, संकरा व कमजोर हो गया है। सड़कें दर्जनों बार नई बन गई, कितने ही मानसून आकर चले गए, लेकिन इस नाले का हाल पूछने वाला कोई नहीं आया। साथ ही नाले के किनारों की बाउंड्री भी अभी तक नहीं रही, जिसको लेकर आए दिन हादसों के घटने की घटनाएं होती रहती हैं। हाल ही में नवरात्रों में इसी नाले में गिरने से दो युवकों ने अपने प्राण गंवा दिए, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन को जालोर में शायद नींद आराम से आती है, कोई इस नाले की सुध नहीं ले रहा। जालोर LIC शाखा में श्रेष्ठ अभिकर्ताओं की बैठक का हुआ आयोजन। सुमेर सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा जालोर सुपर 30 श्रेष्ठ अभिकर्ताओं की बैठक हुई। शाखा प्रबंधक LR सुथार व सायला शाखा प्रबंधक वासुदेव सोलंकी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुई। इस दौरान अतिथियों ने श्रेष्ठ अभिकर्ताओं को बीमा निगम के लिए संकट मोचन की संज्ञा देकर प्रशंसा की। इस दौरान 30 श्रेष्ठ अभिकर्ता उपस्थित। भाजपा कार्यकारिणी का किया विस्तार। जालोर में भाजपा केसरी मंडल अध्यक्ष चुनीलाल पुरोहित द्वारा भाजपा जिला व विधानसभा के पदाधिकारियों की चर्चा कर कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। महामंत्री डॉक्टर गणपत सिंह खीचड़ को नियुक्त किया गया, साथ ही खीचड़ को मंडल विस्तारक का दायित्व सौंपा। कबड्डी प्रतियोगिता प्रभारी OBC प्रकोष्ठ मंडल अध्यक्ष कालूराम बिश्नोई व युवा मोर्चा अध्यक्ष भगवान सिंह को नियुक्त किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर करते हुए बधाई दी। नव नियुक्त पदाधिकारियों ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपने कार्य पर खरा उतरने की बात कही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए जनसमय न्यूज। नाकोड़ा टाइल्स, टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालोर। स्वागत है, आइए ले चलते हैं आपको अगले समाचारों की तरफ। भिनमाल पंचायत समिति ODF घोषित, निकाली गौरव यात्रा। भिनमाल से अरविंद सिंह और चिराग प्रजापत की रिपोर्ट के अनुसार 36 गांवों की भिनमाल पंचायत समिति के ODF घोषित होने पर गौरव यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक पूराराम चौधरी, रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल, जिला प्रमुख वने सिंह गोहिल, जिला कलेक्टर LN सोनी व प्रधान धुकाराम द्वारा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यात्रा में पंचायत समिति भिनमाल के खुले में शौच से संपूर्ण मुक्त होने पर रैली में नारेबाजी की गई। इस दौरान लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और उनमें खुशी की लहर है। लोगों ने बताया कि सरकार के इस प्रयास से बहन बेटियों की लाज अब नहीं जाएगी और चारों ओर स्वच्छता का माहौल कायम होगा। कवराड़ा सरपंच के खिलाफ राजपूत देंगे ज्ञापन। आहोर से नारायण सिंह रेवत की जानकारी के अनुसार आहोर में हुई राजपूत समाज की बैठक में आहोर उपखंड क्षेत्र के कवराड़ा ग्राम पंचायत में सरपंच द्वारा राजपूत भाइयों पर लगाए गए गलत आरोप का विरोध किया गया, जिसे लेकर 13 अक्टूबर को 10 बजे उपखंड अधिकारी आहोर को ज्ञापन दिया जाएगा और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। इस दौरान विभिन्न ठिकानों के ठाकुर, राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ता सहित राजपूत समाज के समाज बंधु उपस्थित थे। बागोड़ा में हुआ मेघवाल समाज का प्रतिभा समारोह।
बागोड़ा से डीडमलदान राव की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को रामदेव मंदिर में मेघवाल समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिवनाथ मठ के गणेशनाथ महाराज, अध्यक्षता जैसाराम मेघवाल, सांचौर प्रधान टाबाराम, जिला परिषद सदस्य पुनमाराम मेघवाल, सरपंच धुमड़िया जालाराम मेघवाल उपस्थित रहे। कार्यक्रम में समाज के प्रतिभाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिस दौरान सैकड़ों की संख्या में समाज बंधु मौजूद। सांचौर में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित। सांचौर से अमृत सोलंकी की रिपोर्ट के अनुसार तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में मंगलवार को ग्राम पंचायत गोलासन में स्थित अटल सेवा केंद्र में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए समिति के अध्यक्ष ब्रिजेश पवार ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना आवश्यक है। शिक्षा से ही अज्ञान रूपी अंधेरा ज्ञान रूपी रोशनी में बदलेगा। इस दौरान पवार ने FIR दर्ज करवाने की प्रक्रिया, मृत्यु भोज बुराई, यातायात संबंधी बातें आदि के बारे में विस्तृत जानकारी। सायला में 3 दिवसीय ज्ञान का पिटारा शिविर आयोजित। सायला से कांतिलाल मेघवाल की रिपोर्ट के अनुसार सायला में एजुकेट गर्ल्स संस्था द्वारा बालिकाओं के लिए ज्ञान का पिटारा किट का वितरण किया गया, जिसमें प्रशिक्षक ओम प्रकाश बिश्नोई व नारायण सिंह बालावत ने बताया कि सायला में 64 स्कूलों में बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए किट वितरित किए गए हैं। संस्था की ओर से अब तक जिले में 505 विद्यालयों में किट वितरण किए जा चुके हैं। उम्मेदाबाद की एक सड़क पर ग्रेनाइट पत्थरों का 2 वर्षों से जमावड़ा। कांतिलाल मेघवाल की रिपोर्ट के अनुसार उम्मेदाबाद के धोरा ढाणी के मेघवाल मोहल्ले में बनी ग्रेनाइट पत्थरों की सड़क पर 2 वर्ष पूर्व पानी की पाइपलाइन बिछाई गई थी, जिसके पूर्व लाइनों को बिछाने के लिए सड़क पर से हटाए हुए ग्रेनाइट पत्थरों को अव्यवस्थित ढंग से यथावत ही रखा गया। पाइपलाइन लगाने से पूर्व हटाए उन पत्थरों को 2 वर्ष पूर्व हटाया गया था, जिससे हर समय हादसों का डर बना रहता है। रात में अंधेरे के कारण पैदल लोग भी पत्थरों से ठोकरें खाकर प्राय गिर जाया करते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत व जन प्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते अभी तक उन पत्थरों को व्यवस्थित करने वाला कोई नहीं है। इस बारे में ग्राम पंचायत प्रशासन व जन प्रतिनिधियों को शिकायत की गई तो ठेकेदार से मिलने की बात कही। सायला में टैक्सी चालक बोले, हमें हिंदू सिंह से बचाओ। सायला से कांतिलाल मेघवाल की रिपोर्ट के अनुसार जिले के सायला में नियुक्त यातायात इंचार्ज हिंदू सिंह द्वारा टैक्सी चालकों को प्रतिदिन परेशान कर उनसे न्योछावर के नाम पर प्रतिदिन हजारों की लूट मचा रखी है। टैक्सी चालकों को अपने यातायात के दौरान परेशान कर रिश्वत के नाम मोटी रकम वसूलने का गोरख धंधा किया जा रहा है, जिसके संबंध में टैक्सी यूनियन सायला के द्वारा जिला कलेक्टर LN सोनी व पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा को ज्ञापन देकर रिश्वतखोर की शिकायत की गई है। सायला थानाधिकारी अरविंद राजपुरोहित ने बताया कि जिला प्रशासन व जिला पुलिस प्रशासन द्वारा पुलिस थाना सायला को मामले की जांच कर कार्यवाही करने के आदेश फरमाए गए हैं, जिस पर कार्यवाही की जाएगी। ओम सिंह राठौड़ को बनाया PCC सदस्य। रानीवाड़ा से रविंद्र सिंह उमट की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश युवा कांग्रेस के सचिव भिनमाल से कांग्रेस विधायक प्रत्याशी रहे ओम सिंह राठौड़ को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य बनाया गया। राजपूत युवा परिषद जिलाध्यक्ष सज्जन सिंह राठौड़ ने बताया कि राठौड़ के कांग्रेस कमेटी के सदस्य बनने पर युवाओं में खुशी की लहर है। इस दौरान समाज बंधुओं ने आपस में सभी का मुंह मीठा करवाकर बधाई दी। आहोर बस स्टैंड के पास दुकान में घुसा सांप। आहोर से सुरेश माली की रिपोर्ट के अनुसार आहोर खालसा बस स्टैंड के निकट एक ऑटो पार्ट्स की दुकान में सांप घुस गया, जिस पर वन विभाग प्रशासन को सूचित करने पर संसाधनों के अभाव में कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से सांप को दुकान से बाहर निकालकर जंगल में सुरक्षित छोड़ा गया। आलासन के सोनी ने की शालिनी ठाकरे से मुलाकात। कांतिलाल मेघवाल की रिपोर्ट के अनुसार आलासन से प्राप्त जानकारी में गांव के युवा समाज सेवी दिलीप सोनी ने महाराष्ट्र नव निर्माण सेना की अध्यक्ष शालिनी ठाकरे से मुलाकात की। ठाकरे का जन्मदिन होने के कारण सोनी ने उन्हें बधाई प्रेषित की, साथ ही कुछ राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा भी की, जिसमें उन्होंने GST को लेकर केंद्र सरकार के रवैये पर कटाक्ष किया एवं इससे जनता के लिए अहितकारी बताया। और अंत में मौसम विज्ञान की खबर में जालौर शहर का आज का तापमान।
अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जन समय न्यूज में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय भारत, जय जालौर।